आज का वीडियो बहुत खास है। मैंने नाम का विश्लेषण करने वाले बहुत से वीडियो बनाए हैं, लेकिन एक नाम की फरमाइश चारों तरफ से आ रही थी, तो मैं रिक्वेस्टेड वीडियो बना रही हूँ। सौरव नाम के लोग कैसे होते हैं, आज इसका विश्लेषण करने जा रही हूँ। हाय एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर उमाश्री। मेरे चैनल में आपका बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ सुखी और संपन्न होंगे और लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। भगवान ऐसे ही आपको सारी खुशियाँ देता रहे। मेरे जो व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, सदा खुशहाल ज़िंदगी बसर करते रहें। मेरी दुआ और आशीर्वाद सदैव उनके साथ होता है। जितने भी यूट्यूबर्स हैं जो अच्छे अच्छे वीडियो बना रहे हैं और बहुत परिश्रम से और मेहनत से वीडियो बना रहे हैं, उनको सफलता मिले, ऐसा मैं भगवान से गुजारिश करती हूँ और उनको आशीर्वाद देती हूँ। यूट्यूबर्स को उनकी अर्निंग दिनों दिन बढ़ती जाए, वो सफलता के शिखर पर चढ़ते जाएँ, मेहनत का दामन न छोड़ें, एक ना एक दिन तो सफलता उनको मिलेगी ही मिलेगी, मिलकी ही रहेगी। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं, जो सौरव नाम पर केंद्रित है। सौरव नाम के लोग कैसे होते हैं, आज के वीडियो में आपको बता रही हूँ, और सौरव नाम के लोगों की क्या खासियत होती है, क्या कमियाँ होती है, इस पर भी विचार करेंगे। तो आइए, सौरव नाम के लोग कैसे होते हैं ये मैं आपको बताती हूँ। लेकिन इससे पहले निवेदन है, मेरे चैनल डॉक्टर उमाश्री को सब्सक्राइब करिए, बेल बटन दबाइए और ऑल पर क्लिक करिए, जिससे इसी तरह की जानकारी मैं आपको भविष्य में भी देती रहूँ, नाम से संबंधित भी और ज्योतिष से संबंधित भी। आपको पता ही है कि मैं तरह तरह की जानकारी, विभिन्नताओं से भरी हुई जानकारी आपको देती हूँ। वन ऑफ द कैटेगरी नाम है, नेम एनालिसिस है, और मैं नेम एनालिसिस भी करती हूँ। तो नाम में बहुत वजन होता है, लेकिन अगर इसके साथ सरनेम भी जुड़ जाए और सरनेम भी वजनदार हो तो बहुत ज़्यादा तरक्की इंसान करता है, और सरनेम भी वर्क करता है। तो सरनेम और नाम दोनों ही मिलकर व्यक्ति का व्यक्तित्व निर्मित करते हैं। तो इन दोनों के बगैर गणना नहीं की जा सकती, लेकिन इसका भी आपको विचार करना चाहिए। मतलब एक ही नाम के लोगों का स्वभाव अलग अलग होता है और विभिन्नताओं भरा होता है, क्योंकि सरनेम भी वर्क करता है, डेट ऑफ बर्थ भी वर्क करती है, बहुत सारे फैक्टर वर्क करते हैं। सुबह का जन्म है, रात का जन्म है, तो ये सारे फैक्टर भी वर्क करते हैं। तो किसी का भी विश्लेषण करने के लिए संपूर्ण रूप से जांचना जरूरी है, लेकिन सामान्य तौर पर कुछ विशेषताएं ऐसी होती हैं जो एक नाम के व्यक्तियों में अक्सर पाई जाती है, तो हम उसी का विश्लेषण करेंगे। सौरव नाम के जो लोग होते हैं बहुत शालीन स्वभाव के होते हैं, एक बार जो उनको देख लेता है तो उनके बारे में अच्छी ही राय बनाता है, और सोबर है इंसान ये उनके बारे में सोचता है कि ये इंसान सोबर है, डाउन टू अर्थ है। ये प्रतिक्रिया सब के मन में इनके लिए होती है, सब इनको पसंद करते हैं सौरव नाम के लोगों को, और इनके चहेते बहुत ज़्यादा होते हैं। सौरव नाम के जो लोग होते हैं खाने पीने के बहुत शौकीन होते हैं, लेकिन इनको घर का खाना पसंद होता है। ये अपने पेरेंट्स का बहुत रेस्पेक्ट करते हैं और उनका सम्मान करते हैं। ये प्राय जॉइंट फैमिली में रहना पसंद करते हैं। ये घुमक्कड़ किस्म के होते हैं, इनको घूमना बहुत ज़्यादा पसंद होता है। ये किसी भी बात में माहिर होते हैं, मतलब विश्लेषण बहुत अच्छा करते हैं किसी भी चीज़ का। ये अपने बूते पर पैसा कमाते हैं और प्रसिद्धि भी पाते हैं। इनको फिजूल खर्ची पसंद नहीं है, लेकिन ये काम की चीज़ों में अनाप शनाप पैसा खर्च करते हैं। ये लग्जरियस लाइफ जीते हैं, इनके बहुत सारे प्रशंसक होते हैं। प्रशंसक से मतलब इनको बहुत लोग पसंद करते हैं। ये अपने बूते पर पैसा कमाते हैं, इनको घमंड रत्ती भर भी नहीं होता। ये भीड़ भाड़ से बचने की कोशिश करते हैं, हालांकि भीड़ भाड़ इनकी लाइफ का एक पार्ट होता है जिसको इनको सहना ही पड़ता है, लेकिन इनको अकेले रहना पसंद होता है। ये सामान्य तौर पे सच ही बोलते हैं, झूठ कम ही बोलते हैं, लेकिन कभी कभी अगर बात बन आए तो झूठ से भी नाता जोड़ते हैं। ये हवा का रुख देख के बात करते हैं। इनको अपनी फैमिली के साथ वक्त बिताना पसंद होता है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरा नाम है डॉक्टर उमाश्री। ऐसे ही वीडियो अगर आप किसी और शख्सियत पर चाहते हैं, किसी और नाम पर चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में रिक्वेस्ट भेजें, मैं उस नाम पर भी वीडियो अवश्य ही बनाऊंगी। तो सौरव नाम के लोग पॉजिटिव होते हैं, इनके बारे में लोग पॉजिटिव ही रहते हैं, और इनके बारे में लोगों की राय बहुत अच्छी होती है कि ये सोबर होते हैं। एक ही वन वर्ड इनके लिए होता है कि सोबर हैं, बहुत सोबर हैं। इनकी पर्सनैलिटी ऐसी ही होती है।
तो आज का मैं वीडियो समाप्त करती हूँ, लेकिन चलते चलते आपको एक जानकारी दे दूँ परामर्श संबंधी। मेरे हस्बैंड लामा फेरा करते हैं, रेकी हीलर हैं और एंजल हीलिंग करते हैं, और मैं ज्योतिषी हूँ तो जन्मपत्री देखती हूँ, वास्तु दोष दूर करती हूँ और पामिस्ट्री भी करती हूँ। अगर आपके जीवन में कोई समस्या आ रही है तो आप तुरंत संपर्क करिए, एक छोटी सी सलाह आपके संपूर्ण जीवन को परिवर्तित कर सकती है। मेरे YouTube पर 4000 से भी ज़्यादा वीडियो हैं, जिनको देखने के लिए आप टाइप करिए डॉक्टर उमाश्री, मेरे वीडियो आपके सामने आ जाएंगे जो आपको बहुत ही लाभान्वित करेंगे। इसके अलावा मेरी वीडियो शेयर भी करा करिए और लाइक भी करा करिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।